जैसे वो चींटी मुँह में नमक रखती है और चीनी का स्वाद लेती है, ले पाएगी। ऐसे ही जीव परद्रव्य में सुख की कल्पना करता है और एक तरफ से आत्मा चाहता है, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। आत्मा की एक शर्त समझ लो, उद्गल परमाणु में भी सुख बुद्धि रहेगी। जबकि ये शरीर तो अनंत उद्गल परमाणुओं का बना पिंड है, वो धन है जो अनंत उद्गल परमाणु है, वो मकान है जो अनंत उद्गल परमाणु है, तेरी तो अभी कहाँ कहाँ सुख बुद्धि है। और आचार्य कह रहे हैं कि एक उद्गल परमाणु में भी सुख बुद्धि रहेगी तो काम नहीं बनेगा। तो अब अपने अंदर में विचार करो कि भी हमें आत्मा से कितना प्रेम है। देखो भाई, बात समझने की नहीं है, बात समझ में नहीं आता ये नहीं है, बात छयोत्सम की नहीं है, बात कोई विशुद्धि की नहीं है, बात कोई खाने पीने की नहीं है, बात कोई तुम्हारे त्याग व्रत की नहीं है। बात इतनी है कि आत्मा की जैसी रुचि, जैसा समर्पण होना चाहिए वैसा नहीं, बस इसके कारण सम्यक दर्शन रुका हुआ है। और सम्यक दर्शन को रोकने वाला तीन काल में पैदा नहीं हुआ, कोई कर्म भरम कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तेरी स्वयं की रुचि नहीं है। तुझे अभी पैसे में मजा आता है, विषय भोगों में मजा आता है, उनमें सुख की कल्पना चलती है, उनसे ही अनुकूलता सोचता है। बोलो, अभी तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिले, ऐसा कोई बात आवे कि 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तुरंत मिल जाए यार तो मजा आ जाएगा। देखो तुरंत उसमें सुख की कल्पना हुई। अब भी तुमने कोई 50 लाख की जमीन रख कर रखी है और एकदम तुम्हारे पास सूचना आई कि वहाँ से हाईवे निकल रहा है, वो जमीन 2 करोड़ की होने वाली, तुरंत ओहो मजा आ गया। क्या हुआ, 1 मिनट में कल्पना होगी सुख की। मुझे अभी आत्मा की बात सुन रहे थे, कहाँ चली गई। जिसे अपनी आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं भासता वो सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए ये बनियों को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बनियाई बुद्धि नहीं छोड़ते, ये बनियाई बुद्धि रखते हैं। बनियाई बुद्धि माने ये धर्म को भी बनियाई बुद्धि वाला बना दिया, शास्त्रों को रटो, याद करो, पैसे इकट्ठे करो, मंदिर बनाओ, प्रतिमा विराजमान करो, और बड़ा मंदिर बनाओ, और पैसा इकट्ठा करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, जैसे व्यापार को बढ़ाने में लगा रहता है ना। कई लोगों की तो ऐसी बुद्धि है, मंदिर का फंड पड़ता रहे इसी में बुद्धि चलती रहती है। कोई ऐसा कह दे कि मंदिर का फंड है ना 1 ही करोड़, भाई ये तो बहुत दिक्कत की बात है, बढ़ाओ भैया, करो कुछ आयोजन फायोजन करो, फंड इकट्ठा करो। ऐसे व्यापार में बुद्धि लगाता है ना, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में वो ही बुद्धि है, त्याग करो फिर कुछ खाओ, फिर त्याग करो ये करो, ऐसी बनी आई बुद्धि। और फिर उसी में समय सार सुनता है, उसी में आत्मा की चर्चा सुनता है, इसलिए कुछ नहीं होता, 0/0, और ना कभी कुछ होना है। भाई साहब ये मार्ग क्षत्रियों का है। क्षत्रियों का मतलब ये है कि जो अपने 1 साल के लड़के का पेट में ही गर्म में ही टीका करके निकल गए, चलो ये नहीं सोचा कि क्या होगा कि पहले संभाल तो दूं। क्या कहा मैंने, क्या कहा, ये नहीं सोचा पहले संभाल तो दूं, थोड़ा लड़का बड़ा तो हो जाए चला जाऊंगा, अरे नहीं खड़ा हो गया, चलो बहुत रह लिया। यहाँ तो लड़का हो गए बूढ़े होने को आ रहे, वो कह रहे बाप मर जाते तो अच्छा रहता, पिंड तो छोड़ो, ये कह रहा नहीं छोड़े, नहीं समझे। वो बड़ी मुश्किल से तीर्थ क्षेत्र में भेज देता है, तब तक नई बीमारी आ गई, फोन आ गया, सो वहाँ से बैठे बैठे कहता है लाओ बात कराओ, वीडियो कॉलिंग करो, पोता दिखाओ, पोती दिखाओ, समझ में आया कि नहीं आया है, हाँ वीडियो कॉलिंग करो। उसने खराब नहीं कर दिया, तेरी बुद्धि खराब है। परद्रव्य को दोष देता है, परद्रव्य को दोष क्यों देता है, बटन वाला मोबाइल रख, कौन कहता है तुझे कैमरे वाला रख, बटन वाला रख, हाँ दूसरे को दोष देता है, नहीं समझ में आया। ये बूढ़े बूढ़े हो गए और ये मोबाइल आ गए ना, ये मोबाइल आ गए ना, क्या बोलते स्मार्टफोन हैं, तो ये बूढ़े बूढ़े लोग अपने बच्चों को हमें भी दिलाओ, हमें भी दिलाओ,
अरे पापा तुम्हें नहीं आएगा, काहे को चक्कर में फंसा, नहीं हम क्या मूर्ख हैं, हमें भी चलाना है। ऐसी आत्मा की रुचि नहीं जगती। उस बुढ़ापे में मोबाइल की तो रुचि जग गई, लेकिन ऐसी रुचि नहीं जगी कि अरे मुझे आत्मा चाहिए, बंद करे सब बकवास, बहुत जी लिया मैंने तेरे साथ, अब नहीं देना। और वह वहाँ मोबाइल लेता है तो बूढ़ा है ना, उतना तो फंक्शन सीखता है बैठ के, घंटों मैंने देखा है ऐसे सीखते। बताएं जी व्हाट्सअप कैसे चलता है? अच्छा जी फाइल ऐसे भेजते, अच्छा जी ऐसे भेज देंगे, वहाँ पहुँच जाएगा, हाँ पहुँच जाएगा। और ये तो बहुत बढ़िया है, वैसे मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब प्रवचन वगैरह के लिख लिया है, मुझे थोड़ा स्वाध्याय वगैरह। भैया मुझे पता है तू तो कितना स्वाध्याय सुनेगा और कितना प्रवचन सुनेगा और कितनी राजनीति की बातें देखेगा। आत्मा की रुचि हो, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं, समझ में आया? कोई गुरु की जरूरत नहीं, घबराना नहीं, कोई भगवान की जरूरत है, कुछ ही की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुझे अपनी आत्मा की रुचि की जरूरत। कैसा आपने कहा कि ये सब तेरे सामने खड़े हो जाएंगे, ये खुद ही कहेंगे ले भैया ले ले। अरे क्या समझे से मुनिराज, देखो तुम्हें समझाता हूँ निमित्त क्या है। देखो मुनिराज अपने स्वरूप में मस्त हैं और पुण्य पाप पे ऐसा पक्का श्रद्धान है कि कोई घर नहीं बनाते, कोई व्यवस्था नहीं करते, कोई विचार नहीं करते और आहारों के लिए निकल जाते हैं और कहते सुनो अगर पुण्य को खिलाना होगा और शरीर को टिकना होगा तो आहार मिलेगा, चले आते हैं और देखो मिलता है। और यहाँ तुम इतनी व्यवस्था बनाते हो, घर बनाते हो, समझ में आया कि अब तो शांति से रोटी मिलेगी, तो अभी नहीं मिलती। पत्नी कहती नहीं मिलेगी, आज मेरा मुंह ठीक नहीं, समझ में आया? तो बनानी पड़ेगी ना, उसमें क्या करो? जब पत्नी नहीं देगी तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? और जो खुद बनाता है वो ज़्यादा स्वाधीन है, समझ में आया? उसे वैराग्य बना रहता है। रमेश जी आप बिल्कुल तकलीफ मत मानो, आपके महासौभाग्य हैं कि अगर पत्नी वैराग्य को बढ़ाने वाली हो और अपने को संसार से निकालने वाली हो, उससे ज़्यादा बढ़िया देवी दुनिया में कोई नहीं। हाँ अब देखो भैया खाने का भाव तुम लोग तो दीक्षा दिलवा दो रमेश जी को, हैं? नहीं समझ में आया? दीक्षा दिलवा दो, जो खुद लेंगे नहीं कुछ, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, खुद लड्डू पेड़ा खाएंगे। यही है जगत का स्वरूप, ऐसे ही तो महाराज बन गए, ऐसे ही बन गए। ये समाज ने चढ़ा चढ़ा के बन जा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, सोचते एक तो टंटा कम हो। नहीं समझ में आया? जैसे ट्रेन में होता है ना, कौन सा उदाहरण दूँ, कोई उदाहरण समझ लो, बस में समझ लो, बस का उदाहरण देता हूँ, बस में जगह नहीं है, समझ में आए ना? अब सीट घेर रखी है, अब उसका समझ लो जगह जहाँ आनी है वो 1 किलोमीटर बाद आनी है और इसको तो चाहिए सीट, तो वो कहता भैया वो अरे आने वाला तुम तो खड़े हो, उतरो उतरो तुम तो आगे खड़े हो जाओ, समझ वो बेचारे का 2 किलोमीटर दूर है और वो खड़ा हो जाता है जो बैठ जाता है। वो कहता भाई साहब अभी तो आया ही नहीं, अरे अब आ जाएगा खड़े रहो। ऐसा है संसार का, उसे तो सीट चाहिए थी, तेरे गाँव से तेरे शहर से उसे क्या लेना देना, ऐसे चढ़ जाओ बन जाओ। एक तो समाज में आफत कम होगी है, एक तो ज्वाला प्रसाद निकले, ऐसा ही है ये संज। तुम्हें अभी लगता है इस सारे अधिकतर जो साधु संत ऐसे ही बन जाते।